अब पूरा सिस्टम जब खड्डे में चल गया तो सरकार को लगा कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, नरसिम्हन कमेटी 1991 में। इसको नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट इसलिए बोलते हैं कि बाद में उसको वापस भी बनाया गया तो सेकंड, अभी के लिए ये फर्स्ट नरसिम्हन। ये क्या बोल के गया? नरसिम्हन आरबीआई के एक्स गवर्नर थे, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट की सिस्टम आप बंद करो, कि ये किसान को 2% में दोगे, हैंडीक्राफ्ट को इतने में, नहीं बैंक को अपने मन मुताबिक देना चाहिए कि कितना कितने रेट पे हम देना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया जाए, सरकार उसमें दखल ना दे। सरकार ने ये बात मानी, लेकिन केवल एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर कुछ सिलेक्टेड फूड स्कीम वगैरह छोड़ दें तो बाकी सभी जगह अब सरकार दखल नहीं देती, बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। सबसे पहले जो लिबरलाइज किया गया तो पहला फॉर्मेट था बेंच प्राइम लेंडिंग रेट बीपीएलआर, और उसे आगे लिबरलाइज किया गया 2010 में और बेस रेट सिस्टम लाए। ये बेस रेट सिस्टम हम समझते हैं, बेस रेट सिस्टम के अंदर हर एक बैंक अपना जो भी खर्चा है, स्टाफ सैलरी ये वो, और मैंने जितनों से डिपॉजिट में लिया उनको मुझे कितना ब्याज देना है, ये वो गिन के वो तय करेगा कि मुझे लोन कितने पैसों में मिनिमम घुमाना चाहिए। तो वो एक तय करेगा बेस रेट। फॉर एग्जांपल सपोज कि एसबीआई ने तय किया मेरा बेस रेट है 10%, तो बाकी उसके जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही बेस रेट के साथ लिंकअप कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार लोन तो बेस रेट प्लस 0.75, तो ये हो जाएगा 10.75। टू व्हीलर का होम लोन, एजुकेशन लोन, ये वो करके वो पूरा सिस्टम, तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और जब भी एसबीआई को लगे कि ये रेपो रेट में कुछ कमी आई है और मुझे अपना लोन रेट्स वगैरह कम करना चाहिए, तो वो एक एक करके बदलाव नहीं करेगा कि मैं कार लोन इतने में दूंगा, नहीं, वो केवल अपना बेस रेट नीचे कर देगा और बाकी के रेट अपने आप आपको नीचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म बैंक के अंदर लाया गया इन द इंटरेस्ट रेट सिस्टम। आगे बात, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, हमने पहले भी देखा था कि कुछ किसानों को, माइनॉरिटीज वगैरह को कुछ पैसा आपने लोन में देना है, तो नरसिम्हन ये बोल के गए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी अगर आप लोन में पैसा दे रहे हैं तो उनको भी सामान्य ब्याज दरों पे ही दीजिए, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ कम दामों में दिया जाए। सरकार ने ये भी बात मानी, लेकिन केवल किसानों को ये इंटरेस्ट सबवेंशन और एक्सपोर्ट वालों को दिया जाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब कि अगर कोई किसान अप टू 3 लाख रुपए का लोन लेता है एग्रीकल्चर के लिए तो उसे 6% में दिया जाएगा, और अगर वो नियमित रूप से इंस्टॉलमेंट भरता है तो सरकार अपनी तरफ से 2% खुद भरेगी, तो उसे इफेक्टिवली होगा 4% में। ये पूरा है इंटरेस्ट सबवेंशन। डेट रिकवरी की जो बात थी कि पहले लोग पैसा ले तो लेते थे लेकिन वापस जमा नहीं करवाते थे और कैसे तारीख पे तारीख पूरा मैटर चल रहा था, नरसिम्हन ने बोला कि एक अलग से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाइए ताकि ये पूरा पेंडिंग केसों का फास्टर निकाल किया जा सके। सरकार ने वो भी बात मानी और 1993 में ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डीआरटी बनाया गया। आगे चल के एक अलग से कानून बनाया गया सरफेसी एक्ट इन द ईयर 2002। इसके अंतर्गत जो प्रोविजंस काफी कठिन कर दिए गए, फॉर एग्जांपल कि जो कोई व्यक्ति लोन नहीं रिपे कर रहा है और अगर बैंक उसके सामने प्रोसीड करती है कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके उसकी नीलामी करेंगे, तो वो व्यक्ति फिर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा पाएगा, उसे आना पड़ेगा अलग से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और इसकी पूरी टेक्निकल नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वो ज्यादातर केस में स्टे ऑर्डर देगा ही नहीं, और इसके ऊपर जो एपेलेट बोर्ड होगा वो भी आपके हक में कुछ देगा नहीं। तो इस प्रकार से बैंकों को और पावर दिए गए ताकि वो अपना लोन रिकवर कर सके, एनपीए कम कर सके। ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी को भी लिबरलाइज करवाइए, ऐसा नरसिम्हन बोल के गए। पहले ये था कि सभी सरकारी बैंकों की सारी ब्रांच हम केवल अमेठी और रायबरेली में ही खोलनी है, ऐसा नहीं जहां उनको ठीक लगे उस जगह पे उन्हें खोलने दीजिए। ये बात सरकार आरबीआई ने मानी, और लेटेस्ट सिस्टम ये है, एक साल के अंदर कोई बैंक चाहे उतनी ब्रांच जहां चाहे वो खोल सकती है, बट द कंडीशन है कि उसमें से 25% वो ग्रामीण इलाकों में आपने खोलनी पड़ेगी, बाकी 75 आप अपने हिसाब से खोल। तो इस प्रकार से ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी को भी लिबरलाइज किया गया। आगे बात, ये जो मैंने बताया कि जब रिजर्व रेशियो सीआरआर और एसएलआर काफी ऊंचे होते हैं तो इकोनॉमी पे उसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट रहती है, नरसिम्हन ने बोला कि उसे आप कम करिए, तो धीरे धीरे कम करते, ये 15 था आज घट के हो गया सीआरआर 4, एसएलआर भी उस जमाने में 40% था, कम होते होते आ गया 22%। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनका भी एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए। और ये सरकारी बैंकों के अंदर सरकार जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, नरसिम्हन बोल के गए कि आप थोड़े शेयर बाजार में बेच दीजिए ताकि आपकी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी कुछ प्राइवेट प्रोफेशनल आ सके और बोर्ड थोड़ा और प्रोफेशनली काम कर सके। सरकार ने ये भी बात मानी और 1992 में एसबीआई के कुछ शेयर उन्होंने बेच दिए। बेचते बेचते अभी के लिए शेयर होल्डिंग जो है अराउंड 59 point something, मतलब 60% सरकार की और बाकी 40% प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो इस प्रकार से बोर्ड का जब कंपोजिशन बनेगा
प्रोफेशनल्स कुछ लोग होंगे और ढंग से पॉलिसी के निर्णय लिए जा पाएंगे। और आगे इसने बोला कि जब तक केवल सरकारी बैंक रहेंगी तो इनएफिशिएंट रहेगी, उसे कम्पीट करने के लिए आप प्राइवेट बैंक को आने दो, फॉरेन बैंक को आने दो। आरबीआई सरकार ने ये बात मानी और तीन स्टेज के अंदर प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया गया 1993, 2001 और 2013-14। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 93, अर्ली 90s में जो बैंक लाइसेंस का फर्स्ट राउंड किया गया, कुल मिला के 10 लाइसेंस दिए गए, जिसमें से 6 बैंक चल गई और बाकी 4 की वो खड्डे में चली गई। जो चल गई, एक तो आईसीआईसीआई, ये तो 50s एरा से ही था, लेकिन जो प्रॉपर आप उसे, तब वो काम कर रहा था डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में। बैंक आप जिसे बोलेंगे कि मैं करंट अकाउंट खुलवा सकूं, सेविंग अकाउंट खुलवा सकूं, तो उस हिसाब से जो अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है वो इन्हें अब दिया गया। एचडीएफसी बैंक बना, यूटीआई भी बना जो 2007 में फिर बन गया एक्सिस बैंक, आईडीबीआई ये भी पहले से था ही, लेकिन एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसे भी ये कमर्शियल बैंक का लाइसेंस दिया गया, इंडस बैंक और डीसीबी। तो ये 6 बैंक जिनको लाइसेंस मिला और वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। बाकी 4 ऐसे जो खड्डे में चले गए। फर्स्ट ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, 2001 के अंदर वो केतन पारेख ने शेयर मार्केट में स्कैम किया। ज्यादातर पैसा वो माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक से लेके आया और कुछ पैसा उसने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से भी लिया था, और वो सारा पैसा उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उसमें मैं तुरंत कुछ फ्लक्चुएशन ला के विनफॉल गेन बना दूं, ऐसा वो ग्लेन जो बना रहा था। तो वो पकड़ा गया और न्यूज़पेपर के अंदर इन सब के नाम आ गए, तो स्वाभाविक है सारे डिपॉजिटर्स एक साथ दौड़ के आ जाएंगे, हमारा पैसा वापस करो। बैंक का रेपुटेशन भी चला गया, एक एक करके डिपॉजिटर्स पैसा भी लेके जाने लगे। तो बैंक जब कोलैप्स होने की कगार पे था तो उन्होंने सोचा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ओबीसी के साथ हम मर्ज कर जाएंगे, तो ये पहला क्लोज हो गया। सेकंड बैंक ऑफ पंजाब, इसका किसी स्कैम में नाम था नहीं, लेकिन पंजाब और ये पूरा जो रीजन था पहले से ही ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह का वर्चस्व था। तो आप समझिए, मैं खुद एक अगर नई बैंक खोल दूं तो ऐसा तो नहीं आज के आज सभी लोग डिपॉजिट लेने आ जाएंगे और सारे लोन में चले जाएंगे पैसे, समय लगता है। लेकिन फिर इनका वो धंधे में कुछ बरकत दिखी नहीं तो इन्होंने एक सेंचुरियन बैंक के साथ मर्ज कर लिया। अब ये सेंचुरियन बैंक को भी इसी वक्त लाइसेंस मिला था, लेकिन उसके भी धंधे में बरकत नहीं थी तो वो एचडीएफसी में चला गया। एक थी टाइम्स बैंक, तो ये भी फिर जाके एचडीएफसी में विलीन हो गया। तो मतलब 6 चल गई और 4 खड्डे में चली गई। बैंकिंग सेक्टर की हमने बात करी, नेशनलाइजेशन की बात करी कि उसमें क्या खामियां थी। फिर नरसिम्हन कमेटी आई, उसने क्या, फर्स्ट कमेटी ने क्या प्रोविजंस दिए और ये बैंकों को सबसे पहले बार फर्स्ट राउंड में क्या लाइसेंस दिए गए। उसके बाद 1998 में फिर से नरसिम्हन कमेटी बिठाई गई, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड। ये क्या बोल के गया, एक जो बैंक कुछ नुकसान कर रही है या फिर अपना लिनेन स्ट्रीम प्रोफाइल बनाना चाहती है तो फिर उन्हें अपने कुछ आदमियों को निकालने की भी सुविधा होनी चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वीआरएस आप लागू करिए। सेकंड, ये लोन रिकवरी के लिए 93 में अपने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया, बराबर है, लेकिन कुछ ढंग का एक लीगल फ्रेमवर्क आप बनाइए। सरकार ने वो बात मानी और 2002 में सर्फ आईसी एक्ट बनाया गया। सेकंड, ये लेट 90s से फिर धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन, ऑनलाइन बैंकिंग ये कुछ चल रहा है और नरसिम्हन को लगा कि इसका कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाइए, सरकार ने वो भी बात मान ली। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बनाया गया और अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वगैरह चलता है, फॉर एग्जाम्पल ईसीएस माने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, कि बीएसएनएल का जो भी मेरा बिल आ गया तो मुझे लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं, मेरे अकाउंट से वो बैंक से कट हो जाएंगे। एनईएफटी जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, एक दूसरे को पैसे जमा करवाते हैं, कुछ शॉपिंग कर लिया, ये सारी बात, सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह के पेमेंट, और बड़े जो खिलाड़ी रहते हैं करोड़ों का ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आरटीजीएस सिस्टम। ये बिटकॉइन वगैरह में हम डिटेल में इनके प्रोविजन देखेंगे, लेकिन ये पूरा कंट्रोल करने के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। नरसिम्हन की सलाह पे बनाया गया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। और नरसिम्हन ने ये भी बोला कि वो 4 बैंक खड़े में गली ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नई और बैंक को लाइसेंस देना चाहिए, फॉरेन बैंक को भी आप आने दीजिए। फिर से सरकार ने भी बात मान ली और उस वक्त गवर्नर ने भी, तो 2001 के अंदर वापस नोटिफिकेशन किया गया कि जिसने जिसे भी बैंक का लाइसेंस लेना है तो क्लास 10 और 12 की मार्कशीट और 3 फोटोग्राफ के साथ 7 दिनों के अंतर्गत आप हमको अप्लाई करो। 2 बैंक आई और वो चली गई, मतलब ढंग से चली, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक, इन दोनों को सेकंड राउंड के अंदर लाइसेंस इस प्रकार से मिले। एक और बात के नरसिम्हन करके गए, क्लासिफिकेशन हम कई समय से देख रहे हैं, एक तरफ रहता है आलोक नाथ और सामने विजय माल्या और नॉन बैंक एंड एनबीएफसी, बैंक और नॉन बैंक इस प्रकार का।
ये नरसिम्हन सेकंड के आने से पहले क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार था कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी तीन टाइप के रहते हैं, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईसीआईसीआई, आईडीआई वगैरह। नरसिम्हन बोल के गए कि ये तीन वाला क्लासिफिकेशन सुपरविजन वगैरह में दिक्कत रहती है, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, एक तरफ रहने चाहिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और सामने रहने चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो मॉडर्न अपना क्लासिफिकेशन चलता है ये नरसिम्हन की देन है। तो कई रूप से हम ये भी बोल सकते हैं कि नरसिम्हन वो हमारे बैंकिंग सेक्टर के पितामह है या अपना जो मॉडर्न बैंक सिस्टम है वो उनके दिमाग की उपज है। जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीसेट में ये डेट्स, नेम्स, नंबर इस प्रकार के कुछ निकलते नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर एक नया टॉपिक है आजादी के बाद का भारत। तो आजादी के बाद के भारत में कुछ इकोनॉमी एंगल की बात करनी हो तो बैंकिंग सेक्टर का भी कुछ जिक्र अगर करना पड़े तो थोड़े फॉर्डर पॉइंट्स अपने दिमाग में होने चाहिए, इसलिए पढ़ लिया। अब बात करते हैं न्यू बैंक लाइसेंस की। दो राउंड तो हमने समझ लिए, पहले 10 थी, फिर दूसरी दो कोटक यस बैंक आई, फिर थर्ड राउंड जो चला 2013 में वापस एप्लीकेशन इनवाइट की गई, अंबानी, बिरला, बजाज, टाटा, मुथूट फाइनेंस, इंडियन पोस्ट, इन सभी ने अप्लाई किया। दो लोगों ने अपना अर्जी वापस ले लिया, टाटा एंड वीडियोकॉन। तो इस प्रकार से कुल मिला के 25 अर्जी आई कि हमको भी अब कमर्शियल बैंक का लाइसेंस दीजिए। अब राजन भाई को और भी कुछ काम रहते हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, आउट नीचे डेलीगेट कर दिया कि मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म लाने हैं, उर्जित पटेल कमेटी बनाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ करना है, नचिकेत मोर बनाएगा, और ये जो अपना बैंक लाइसेंस की ये 25 अर्जी आई है इसको जरा आप शॉर्ट लिस्ट करिए, ये पूरा काम दिया गया बिमल जालन को, आरबीआई इज हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय बिमल जालन। एक खास बात ये याद रखिए, यहां तो आपने भी रट लिया होगा कि बंधन, आईडीएफसी दो बैंकों को लाइसेंस मिला था, इसके अलावा एक तीसरी बैंक को भी लाइसेंस मिला था, भारतीय महिला बैंक को सितंबर 2013 में, लेकिन वो सरकारी बैंक है, वो अलग से आई है, ऐसा नहीं कि ये 25 के साथ उसने भी अर्जी लगाया था और नंबर लग गया, नहीं, वो पूरी सिस्टम अलग है, एमसीक्यू के लिए ये फैक्ट आप याद रखिए। एनीवेज, तो फिर ये विमल जालन ने पूरा शॉर्टलिस्टिंग का काम खत्म किया, फरवरी में उन्होंने फरवरी 2014 के अंदर रिपोर्ट दिया, फिर मार्च के अंदर ऐसा लगा कि वो इलेक्शन कमीशन की कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक हो जाएगा तो उनसे परमिशन और लिया, फिर अप्रैल के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया दो जनों को, एक तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेकंड इज आईडीएफसी। शब्द है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इसका मतलब ये कि उस अप्रैल महीने से लेकर 18 महीनों के अंदर इन्होंने दो शर्तें पूरी करनी है, एक इनका नेटवर्थ 1000 से ज्यादा होना चाहिए और सेकंड इनकी 25% ब्रांचेस अनबैंक रूरल एरियाज में, जहां पहले से कोई अन्य बैंक ने प्रेजेंस नहीं बनाया, ऐसे में आप करिए, ये जब काम आप कर लेंगे तो वापस हमको फिर प्रपोजल दीजिए और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके सेक्शन 22 के तहत हम आपको ऑफिशियल लाइसेंस देंगे और बाद में फिर वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, चेकबुक, ये सब आप कर पाएंगे। तो मतलब अभी के लिए ये बैंक नहीं बने, इनको केवल इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। दोनों का थोड़ा बिजनेस जीके टाइप का देख लेते हैं। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका बॉस है चंद्रशेखर घोष, वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर ये एक्टिव है, ये एक प्रकार की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। माइक्रो फाइनेंस मतलब ऊपर से कहीं से पैसा वो जमा करते हैं और नीचे गरीब लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को छोटे छोटे पैसे दिए जाते हैं और उनपे ईएमआई वगैरह की आप एक हफ्ते में 10 रुपए जमा करवाएंगे, ये सब आगे स्लाइड के अंदर हम पूरा देखेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी होता क्या। तो ये एक प्रकार का माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, चंद्रशेखर घोष बॉस है। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो स्वाभाविक है ये गरीब लोगों की मदद करता होगा, लेकिन अभी के लिए ये किसी से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ये खुलवा नहीं सकता, ये सारा पैसा लाते हैं किसी बैंक से उधारी में और फिर वो पैसा नीचे लोन में दिया जाता है, स्वाभाविक है इनको भी कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा अपने के लिए। तो गरीबों को आसानी से लोन देते हैं, हाँ, लेकिन इनके लोन रेट से ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले के 23% 24% ऐसा रहता है, लेकिन अब उनको जब बैंक लाइसेंस मिल जाएगा तो स्वाभाविक है मेरे आपके जैसे लोग वहां पे अकाउंट खुलवाएंगे, सस्ते ब्याज पे उन्हें पैसा मिलता रहेगा और नीचे चलता रहेगा, तो इस प्रकार से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आएगा। जहां तक 25% जो मैंडेट किया गया तो इनकी 45% ब्रांच तो पहले से ही ग्रामीण इलाकों में ही है। 1000 करोड़ का नेटवर्थ वो भी इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC और सिंगापुर की कोई GIC इन दोनों से और फाइनेंस जमा करके 1600 करोड़ का फंडिंग बना दिया है और मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले ही RBI को इन्होंने फाइनल प्रपोजल भेज दिया है कि भाई हमारा वो 1000 करोड़ का नेटवर्थ भी है और 25% रूरल ब्रांच प्रेजेंस भी है, अब हमको आप लाइसेंस दे दीजिए। तो ये एक हुआ। सेकंड इज IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके बॉस है राजीव लाल।
मुंबई और महाराष्ट्र रीजन में ये एक्टिव है। एक प्रकार की ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट उसको फाइनेंस करती है। नेटवर्क तो इनका पहले से बहुत ज्यादा है, 2000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन स्वाभाविक है ये बड़े प्लेयर है तो रूरल एरिया में इनकी 25% वाली प्रेजेंस है, नहीं तो वो धीरे धीरे बना के फिर कुछ करेंगे। इन्होंने ये सिस्टम कुछ शुरू किया कि अपनी आईडीएफसी के दो पार्ट बना देंगे। एक रहेगी आईडीएफसी लिमिटेड जो ये अपना पावर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगी, और एक अलग एंटिटी बनाएंगे आईडीएफसी बैंक, और फिर वो पूरा लोन लाइसेंस लेके अपना काम शुरू करेगी। तो ये जो स्प्लिटिंग या डीमर्जर कर रहा था वो भी आरबीआई ने जनवरी 2015 में अप्रूव किया, और धीरे धीरे ये अपना काम आगे बढ़ाएंगे। जिनको लाइसेंस नहीं मिला, कुमार मंगलम बिरला क्योंकि कोल ब्लॉक आवंटन के अंदर एफआईआर में कुछ कंट्रोवर्सी में रहे थे, अनिल अंबानी भी 2G केस के अंदर, इंडियन पोस्ट इन्होंने भी अप्लाई किया था, और बीमल जालन ने ये बोला कि सरकार और आरबीआई कुछ आपस में तय करे और इनको ठीक लगे तो इंडियन पोस्ट को भी लाइसेंस आप दे दीजिए, लेकिन मुझे अभी अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो फिर सरकार ने एक कमेटी बनाई, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी कम्युनिकेशन मंत्रालय द्वारा, क्योंकि इंडियन पोस्ट ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये टीएसआर सुब्रमण्यम पहले फॉर लेवरेजिंग द पोस्ट ऑफिस नेटवर्क, ये इसका ऑफिशियल नेम, दिसंबर 2014 में इसने कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए। इसने ये बोला कि हाँ इंडियन पोस्ट को भी बैंक का लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन कुछ हम रीऑर्गेनाइजेशन करें कि एक वर्टिकल हम इंडियन पोस्ट का बना दे कि वो केवल बैंकिंग सेक्टर और उसका ही काम देखे, एक वर्टिकल जो केवल इंश्योरेंस का काम देखे, एक वर्टिकल ये ई कॉमर्स और स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इनके पार्सल डिलीवरी का काम देखे, इस प्रकार के अलग अलग पिलर बना के फिर एक पिलर केवल बैंकिंग का काम देखे, इस प्रकार से कुछ करना चाहिए। तो ये प्रपोजल में चल रहा है, इन फ्यूचर कुछ हो सकता है। बात जो कर रहे थे, एवोल्यूशन देख लिया, नेशनलाइजेशन और उसकी समस्याएं, नरसिम्हन फर्स्ट क्या बोल के गए, सेकंड क्या बोल के गए, प्राइवेट बैंक लाइसेंस के अंदर दो जो बने थे, बंधन और आईडीएफसी, उसका बिजनेस जीके कुछ देख लिया। आगे एक बात, भारतीय महिला बैंक, इसका कैसे ओरिजिन क्या है। बजट 2013 के अंदर चिदंबरम ने ये कहा कि हम 1000 करोड़ देके एक अलग से बैंक महिलाओं के लिए बनाएंगे, भारतीय महिला बैंक। तो 1000 करोड़ सरकार ने दिए, इसलिए ये 100% स्टेट ओन्ड बैंक या सरकारी बैंक है, पूरा का पूरा मालिक कौन है, सरकार है। ठीक है, पैसे तो दे दिए, लेकिन आप इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, उसके लिए एमबीएन राव पैनल बनाई गई, ये जो कैनरा बैंक के उस वक्त चीफ थे। खैर, ये महिला बैंक या भारतीय महिला बैंक, ये कोई पूरे विश्व में अनोखा प्रयोग सबसे पहली बार हो रहा है, जवाब है ना। 1980s के दौर में ही पाकिस्तान वालों ने ये बनाया, तांजानिया ने 2009 में, और भारत के अंदर क्या है सबसे पहला प्रयोग है, तो उसका भी जवाब है ना, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में कुछ अर्बन कोऑपरेटिव्स ऐसे हैं जो केवल महिलाओं को ही केटर करते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में कुछ इस प्रकार से बोला जाए कि भारतीय महिला बैंक इज द ओनली और द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू केटर वीमेन क्लाइंट्स, तो वो सारे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले से वो विश्व में भी है और भारत में भी है। फिर कुछ बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जो चलती रहती है कि सितंबर के अंदर 2013 सितंबर में इनको लाइसेंस दिया गया, लेकिन फिर इसका जो उद्घाटन करना था तो इंदिरा गांधी के बर्थडे आता था नवंबर 19 को, तब जाके उसका उद्घाटन किया गया। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन उस वक्त चुनाव जो आचार संहिता चल रही थी वो केजरीवाल और दिल्ली स्टेट असेंबली इलेक्शन की, तो उस कारण उसका लॉन्च किया गया मुंबई से। इस प्रकार की जो भी कॉमेंट्री चलती रहे, तो यूपीएससी या सीसेट के लिए हमारे कोई काम का है नहीं, इसलिए मैंने इसे स्ट्राइक आउट कर दिया है। मेंशन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल आपने सीसेट का ट्रेंड में देखा होगा, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर नीचे बोलते हैं ओनली 1 करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 करेक्ट, राइट। और हर एक गली मोहल्ले और खोपचे से हर एक बंदा अपना मॉक टेस्ट प्रोडक्ट शुरू कर रहा है। अब क्या करते हैं लोग कि द हिंदू में जो भी सेंटेंस दिख गया एक आर्टिकल में, 2 स्टेटमेंट उठा के रख दो और नीचे फिर ओनली 1 एंड 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, तो इस प्रकार के सवाल निकलते नहीं। तो आप ऐसे सवाल दिखे तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, और वो सॉल्व ना कर पाओ तो भी फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं। जो मैंने पहले भी बोला था कि सबसे पहले आप पुराने पेपर खुद ही सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार से ऑप्शन सेट करता है। एनीवे, बिजनेस जीके के लिए कौन है, इसके सीएमडी उषा अनंत सुब्रमण्यम। अब इसको महिला बैंक क्यों बोलते हैं, तो इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये बात सही कि नीचे सरकार पूरा मालिक है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारी महिलाएं हैं, ऑल वीमेन। जहां तक स्टाफ की बात है तो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। जहां तक की डिपॉजिटर्स की बात है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी करवाने गए, तो महिला भी करवा सकते हैं, पुरुष भी करवा सकते हैं। और स्टाफ के अंदर भी, क्योंकि नया बैंक है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव उनको अपने मिलेंगे नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सबसे डेप्यूटेशन पे लाया गया है।
लेकिन जब लोन देने की बात आएगी तो वो महिलाओं को प्रमुख रूप से दी जाएगी। और यहाँ पर भी अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर 1 करोड़ तक का लोन लेना चाहे तो विदाउट एनी कोलेटरल की आप फैक्ट्री गिरवे रखो, घर गिरवे रखो, नहीं, विदाउट एनी कोलेटरल इनको लोन दिया जाएगा। तो ये सारे उसके फीचर है, इस कारण इसको महिला बैंक बोलते हैं। और भी कि हम महिलाओं को किस प्रकार के लोन देंगे, एक तो स्मॉल हाउस बिजनेस, कैटरिंग का बिजनेस, फिर वो गोड़िया घर, फिर टिफिन सर्विस है ना, फिर अगर उन्होंने हायर के एजुकेशन के लिए जाना है तो एजुकेशन लोन्स, इवन किचन रेनोवेशन के लिए भी आपको लोन दिया जाएंगे। इस प्रकार के कई प्रोडक्ट्स इन्हें बनाए, इन सबके फैंसी नेम भी है ये तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी बैंक में तो वो सब याद करके जाना। एनीवेज, बैंक का ये तो काम करेंगे, इसके अलावा महिलाओं के अंदर एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी कि ये बैंक अकाउंट ATM तो ये प्रकार से, नेट बैंकिंग किस तरह से होता है ये सावधानी, वो प्रकार के कैंपेन भी चलाए जाएंगे। आप जब बैंक पे जाते हैं कुछ चेक वगैरह जमा कराए तो वो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर देता है और उसको आपको फोटोग्राफ वगैरह दिख जाता है, पूरा ट्रांजेक्शन होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ज्यादातर भारत की बैंक इन्फोसिस के द्वारा डिजाइन किया गया फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करती है ये पूरा मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन ये महिला बैंक वाले किसी अमेरिकन कंपनी से FIS नाम का कोई कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है। बैंकिंग का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा ट्रिविल जी के आपको परेशान कर सकता है, या फिर इवन UPSC या MBA वगैरह इंटरव्यू में अगर आपने कुछ MCA या फिर MSCIT वगैरह किया है तो फिर टेस्ट करने के लिए कि बोलो बैंक के अंदर क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो फिनेकल होता है। ये सारा अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपने तैयार करते रहना चाहिए। नया बैंक है तो फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, ज्यादातर सरकारी बैंक देते हैं सेविंग अकाउंट पे 4%, इन्होंने बोला है कि हम 4.5% का देंगे, 4.5%, और अगर आपने 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाया तो 5%, ताकि कोई और क्लाइंट आ जाए। क्या इससे वो कम्पीट कर पाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक की बात करें कोटक महिंद्रा आपको 6% दे रहा है, यस बैंक 8%। इनके टारगेट कुछ है कि हम अपनी 25% ब्रांचेस अनबैंक रूरल एरिया में करेंगे, ये खुद से उन्होंने बोला है, RBI ने कंपल्शन वगैरह जो बंधन IDFC को दिया गया ऐसा कुछ था नहीं, सीधा ही लाइसेंस अप्रूव किया गया है। मार्च 2014 तक 25 ब्रांचे बनाएंगे, लेकिन केवल ऐसे इलाकों में कि स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स वगैरह में। 2020 तक 700 ब्रांच रहेगी, 60,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, ये वो पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखा है। बैंक के इंटरव्यू में जाएं तो ये पूरा याद करके जाना चाहिए, आपको ये पूछते हैं जो भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ अब सवाल देख लें, इनमें से कौन भारतीय महिला बैंक का CMD है, अरुंधति भट्टाचार्य, अरुणा बहुगुणा, शिखा शर्मा या उषा अनंत सुब्रमण्यम? उषा अनंत सुब्रमण्यम। अरुंधति भट्टाचार्य मतलब SBI, अरुणा बहुगुणा, आप में से जो IPS बनेंगे तो हैदराबाद के अंदर जो सरदार पटेल पुलिस अकेडमी है उसके ये प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल है। शिखा शर्मा एक्सिस बैंक और ये अनंत सुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक के। कुछ प्रोमिनेंट महिलाओं के नाम भी याद रहने चाहिए ताकि ऐसे वगैरह में कोट करने के कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं ये वो करें फॉर्डर पॉइंट। और इवन UPSC इंटरव्यू में आपके पुराने मित्र भी बता रहे थे, काफी बीच बीच में अटका के आपको इस प्रकार के GK टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे आगे हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, सच्चा झूठा पकड़ना है। भारतीय महिला बैंक इज ओन बाय कंसोर्शियम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों ने मिलकर ये भारतीय महिला बैंक बनाया, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ये भारतीय महिला बैंक इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CRR and SLR रिक्वायरमेंट। पहले 3 साल के लिए CRR SLR का उन्होंने कोटा में पैसा रखना नहीं है। दोनों सही है, दोनों गलत है? देख लेते हैं, दोनों गलत है। क्यों? भारतीय महिला बैंक को एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%, फिर उसमें नाबार्ड और फाइनेंस इन सबने पैसा दे के नहीं किया, केवल सरकार का पैसा है। और जहां तक CRR SLR की बात है तो वो तो बैंक जैसे शुरू किया वो आपने मेंटेन करना ही पड़ता है, इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, नाइदर ए नॉर बी ये अपना आंसर होगा। अजर्शन रीजनिंग दे देते हैं, भारतीय महिला बैंक विल ब्रिंग डाउन द जेंडर डिवाइड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप समझते हैं कि गरीब लोगों को सारी बैंकिंग वगैरह की सुविधा दी गई, लेकिन यहाँ भी समस्या है कि पिछली जो भी स्कीम लगाई तो ग्रामीण इलाकों में या गरीब लोगों में पुरुषों को फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा हुआ, महिलाओं का कम हुआ। तो ये जो बीच में जेंडर डिवाइड या गैप बना हुआ है इसे कम करने में भारतीय महिला बैंक मदद करेगा, ये है अजर्शन। रीजन में बोला गया भारतीय महिला बैंक विल केटर ओनली फीमेल डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स, केवल फीमेल डिपॉजिटर उनका ही पैसा लिया जाएगा। ऑप्शन अजर्शन रीजनिंग के जो होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही और दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है।
दोनों इंडिविजुअली राइट है, लेकिन दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड इज रॉन्ग, और फिर की ए गलत है और आर सही। क्या होगा? सी, भारतीय महिला बैंक जो बोलता है कि वो केवल महिलाओं के ही डिपॉजिट ले, नहीं महिला पुरुष जो आके डिपॉजिट करवा सके। आगे बात, भारतीय महिला बैंक विल ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट टू फीमेल डिपॉजिटर्स ओवर मेल डिपॉजिटर, कि अगर पुरुष देंगे तो उन्हें कम ब्याज दिया जाएगा, महिलाओं को ज्यादा। सेकंड, लोन इंटरेस्ट रेट इन भारतीय महिला बैंक आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, सरकार तय करेगी कि महिला ये कितने लोन पे ब्याज को ये पैसा घुमाना चाहेंगे। एंड थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड द इनिशियल कैपिटल फ्रॉम निर्भया फंड, और सही गलत पकड़ना है, ओनली वन एंड थ्री, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन एंड टू, नन ऑफ अबो, नन ऑफ अबो। सबसे पहली बात कि मेल डिपॉजिटर हो या फीमेल डिपॉजिटर, पैसे तो कितने, मतलब इंटरेस्ट रेट 4% या 4.5 हो तो जिस नियम से दिया जाएगा। लोन रेट इसके सरकार तय नहीं करेगी, वो हर एक बैंक, हमने समझ लिया कि नरसिम्हन के आने के बाद बेस रेट सिस्टम चलता है, ये अपने आप तय करेंगे। सरकार ने 1,000 करोड़ दिए हैं, सही बात, और पैरेलल एक निर्भया फंड भी बनाया गया था दिसंबर 2012 के अंदर, वो जो घटना के बाद सरकार को लगा कि एक अलग से फंड बनाए जिसके अंदर से महिला सुरक्षा के लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चलाना हो तो पैसा देंगे, तो निर्भया फंड 1,000 करोड़ से बनाया गया था। लेकिन वो 1,000 करोड़ यहाँ रख के महिला बैंक खड़ा नहीं किया गया, ये 1,000 करोड़ अलग से दिए गए हैं। तो इस प्रकार के मेजर सेलियंट पॉइंट जरा आप देखते रहिए। इंटरव्यू में आपको ये कुछ पूछा जा सकता है, लाइक अ डेविल्स एडवोकेट, भारतीय महिला बैंक है, हाँ महिलाओं का जेंडर डिवाइड, फाइनेंशियल इंक्लूजन कम होगा, अच्छी अच्छी बातें हमने देखी। हो सकता है आपको इसका उल्टा करके पूछे कि भारतीय महिला बैंक इज अ मेयर सिंबॉलिक एक्सरसाइज फॉर फील गुड पब्लिसिटी, ये तो केवल देखने की बोलने की बात है, होगा कुछ नहीं। डू यू अग्री, यस नो एंड वाई? अच्छे वाले पॉइंट्स तो आपने देख लिए, एंटी वाले भी कुछ पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए तब, क्योंकि जब लाइव डिस्कशन हो तो आपको आप पहले से एंटीसिपेट कर सके कि सामने से क्या आने वाला है। एंटी पॉइंट्स में क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा ये दतिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कौन है? सारे सरकारी बैंक है और रूरल एरिया में ये प्रेजेंस बना रहे, और इन सभी के बोर्ड के अंदर सरकार पहले से उनके चुनिंदा लोग हैं। तो अगर सरकार ऑर्डर करती है SBI को कि आप 1 करोड़ तक की लोन महिलाओं को विदाउट कोलेटरल दीजिए तो वो देगा, है ना? तो ये अलग से नया कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही जो थे सरकारी बैंकों से हम कुछ लागू करवा सकते हैं। सेकंड, जहां तक ये 25% रूरल ब्रांचिंग वगैरह है तो वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट काफी होगा, सरकारी बैंक भी चलेंगे, ये बंधन IDFC ये भी चलेंगे। थर्ड थिंग, इनका हायर स्टाफ अपना है नहीं, पर वो दूसरी बैंकों से डेप्यूटेशन पे लाए हैं, जब तक हायर स्टाफ उनका खुद का नहीं होगा तो वो पर्सनल इनिशिएटिव और पर्सनल मोटिवेशन के साथ नीचे वो कोई पुश नहीं करेंगे टारगेट्स को। और पहले फेज के अंदर हमने देखा कि मार्च 2014 तक तो केवल 25 जो स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी उनके अंदर जो मुख्य, तो अब आप सोचिए कि गांधीनगर में अगर भारतीय महिला बैंक का ब्रांच खुला भी तो जितनी भी वर्किंग वीमेन है यहाँ पे, तो पहले से वो तो ICICI और SBI सभी के ब्रांच तो वहीं ही उनका अकाउंट वगैरह होगा और लोन वगैरह लेके रखा होगा। तो असल में इन्होंने काम कहाँ पे करना चाहिए? ग्रामीण इलाकों में। ये स्टेट कैपिटल में आपने बना दिया, इसका कोई मतलब है ही नहीं। जहां तक ये बात थी कि हम नए क्लाइंट्स को लाने के लिए 4.5% या 5% देंगे, तो आप ही सोचिए, अगर आपको आपने पहले से SBI का अकाउंट लेके रखा है तो आप यहाँ जाओगे? नहीं। और भी हमने फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं कि क्या मैं अगर ट्रैवलिंग में गया हूं तो मुझे ATM की सुविधा मिलेगी, अगर मेरा कुछ अकाउंट वगैरह चेकबुक वगैरह खो गया तो मैं तुरंत ब्रांच में जा सकूंगा, हर एक जगह पे प्रेजेंस है, तो इस कारण SBI में लोग ज्यादा जाएंगे, इस प्रकार की बैंकों में नहीं। और जिसे लालच है कि मुझे हायर इंटरेस्ट मिले अपने सेविंग अकाउंट पे, तो वो तो यस बैंक और कोटक महिंद्रा 6-8% चल रहा है। तो मतलब ये ओवरऑल एक प्रकार का टोकनिज्म या सिंबल एक्सरसाइज विदाउट एनी सब्सटेंस है। आपको प्रो में बोलना है, एंटी में बोलना है, आपकी बात, लेकिन दिमाग के अंदर पहले से कि अगर इंटरव्यू के अंदर ये कुछ मुद्दा आ जाए तो क्या वहां से आ सकता है और आप इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हायर स्टाफ डेप्यूटेशन की बात है तो वो तो नया बैंक है तो स्वाभाविक है बाहर से ही लाने पड़ेंगे, लेकिन 10-12 साल बाद तो यहीं नीचे का स्टाफ प्रमोट होके जाएगा और फिर कुछ काम होता रहेगा। स्टेट कैपिटल में पहले बने तो धीरे धीरे फिर वो एक्सपांड कर पाएंगे आजू बाजू के गाँव में। तो इस प्रकार से आप कुछ बोल सकते हैं। महिला बैंक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं, है ना? पहले 25 हेडक्वार्टर्स वगैरह में बने, फिर आगे और फिर नई स्कीम चलाते हैं, तो हर 1-2 महीने बाद हिंदू के अंदर कुछ ना कुछ इसका नाम आता रहता है वो इकोनॉमी और इंडस्ट्री सेक्टर में, और इस कारण जो हिंदू में आ गया तो फिर इस कारण से भी मैंने डिटेल में पढ़ा, बाकी बाय एस डिफॉल्ट में इसको इतना महत्वपूर्ण समझता नहीं MCQ वगैरह के। एनीवेज, बैंकिंग एवोल्यूशन देख लिया, बैंक नेशनलाइजेशन और उसकी क्या समस्याएं थी, नरसिम्हन कमाटी बना के क्या उसकी दवाई की गई, बैंकों को 3 स्टेज में जो लाइसेंस दिए गए उसकी बात करी।